जो लोग 37 और 38 सीट पर मात्र चुनाव लड़ रहे हैं वे प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। साल 2014 के आम चुनाव में यूपी की जनता ने बीजेपी को 73 सीटें जिता कर दी और यूपी के सांसद को देश का प्रधानमंत्री बनाकर बता दिया कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। 2019 के चुनाव में भी बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार भी पीएम यूपी से ही होगा, तो वहीं अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि अगला पीएम यूपी से होगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन अखिलेश की ये इच्छा पूरी कैसे होगी, क्योंकि सपा बसपा गठबंधन खुद 37-38 सीटों के फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरी है, जबकि पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि सपा बसपा के 37-38 वाले फॉर्मूले पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ समेत आजमगढ़ में अखिलेश को टक्कर दे रहे निरहुआ तक निशाना साध रहे हैं। मैथमेटिक्स से बीएससी करने वाले योगी आदित्यनाथ ने तो सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये कौन से अंक गणित के कौन से नियम की बात कर रहे हैं, 37-38 सीटों पर लड़ने वाले क्या प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे लगता है हर व्यक्ति जानता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो अंक गणित है वह कम से कम 272 सीट चाहिए। देश के अंदर यह क्षमता केवल बीजेपी में है। जो लोग 37 और 38 सीट पर मात्र चुनाव लड़ रहे हैं वे प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी ये गणित के कौन से नियम की बात कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही होगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर एक बार मोदी सरकार का समर्थन करने के लिए मैं मायावती जी को धन्यवाद दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि पहले भी देवेगौड़ा गुजराल पीएम बने हैं तो तुरंत योगी ने कहा कि ये देश मजबूर सरकार नहीं चाहता है, मजबूत सरकार चाहता है, अब समय बदल गया है। योगी जी, ये पहले भी हो चुका है इस मुल्क में कि देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बन गए थे, उस समय गया। देखिए, आज भारत अस्थिरता से उभर चुका है। आज भारत एक स्थायी सरकार चाहता है, एक स्थिर सरकार चाहता है, एक मजबूत सरकार चाहता है, मजबूर नहीं। यह देश जानता है कि मजबूर सरकार उसी प्रकार की मजबूरी दिखाता है हर एक मुद्दे पर, चाहे वह राष्ट्रीय सुरक्षा हो, वैश्विक मंच हो, डेवलपमेंट के कार्य हों या लोक कल्याणकारी योजनाएं हों। मोदी जी ने मजबूत सरकार के माध्यम से जिस मजबूती के साथ इन कार्यों को किया है वह अभूतपूर्व है। सपा बसपा के सियासी गणित पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को धन्यवाद बोला, तो वहीं आजमगढ़ में अखिलेश को टक्कर दे रहे दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी सपा बसपा के सीटों के फॉर्मूले पर तंज कसते हुए कहा था कि अखिलेश यादव तो आधा यूपी पहले ही हार चुके हैं। माननीय नेताजी ने कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने देश के, ये उनके कहने के बाद भी अगर अखिलेश यादव जी समझ गए होते कि हमारे पिताजी भी ऐसा चाहते हैं तो निश्चित रूप से देश के बारे में सोच के ही उन्होंने बोला होगा, पर उस बात को भी नहीं समझे। अकेले लड़ गए होते, अकेले अगर चुनाव लड़े होते, अगर खाली समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी होती तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने निर्णय लिया वो निर्णय ही गलत है। आधा प्रदेश पहले ही हार गए, उन्होंने आधा प्रदेश पहले ही दे दिया, मायावती जी को दे दिया और उनको कैंडिडेट बना दिया कि आपको हम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मैं नहीं देखना चाहता हूं, तो इसलिए मैं अखिलेश यादव जी के साथ नहीं। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी को जीतने के लिए सियासी लड़ाई लड़ रहे अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि उनके गठबंधन से पीएम कौन बनेगा तो अखिलेश ना तो खुद का नाम ले सके और ना ही मायावती का। तो मैं इसीलिए तो जानना चाहता हूँ कि आपके में से कौन बनेगा प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े फैसले जनता को समझ में नहीं आए, तो कम से कम जो नई सरकार बनेगी, जो देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा, देश को सही दिशा में लेके जाएगा। और हमारा जो मानना है गठबंधन का, वो लड़ाई ये है कि हम देश को नया प्रधानमंत्री देना चाहते हैं। देश नया तभी बनेगा जब नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा। तो मायावती जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो यूपी से ही बनेगा या बनेंगी, तो आप किसे बनाएंगे? देखिए, यूपी ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है। वैसे तो प्रधानमंत्री देश के किसी कोने से कोई भी बन सकता है,
लेकिन मुझे खुशी होगी अगर कोई उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री बने। तो इस बारे में बातचीत तो हुई होगी आपकी? अभी बातचीत इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संख्या जब पूरी आ जाएगी सामने उस समय शायद देश तय करेगा कि प्रधानमंत्री कौन बने। लेकिन अखिलेश जिस तरह से कहते रहे हैं कि पीएम यूपी से होगा तो खुशी होगी, तो क्या वो राहुल गांधी को भी बतौर पीएम समर्थन दे सकते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। बहरहाल ये आम चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उससे एक बात तो साफ है कि 2014 की तरह इस बार भी चुनाव चेहरे पर लड़ा जा रहा है। बीजेपी के पास जहां पीएम मोदी के रूप में मजबूत चेहरा है, तो वहीं विपक्ष की ओर देखें तो जितनी पार्टियां हैं उतने पीएम उम्मीदवार दिखते हैं। किसी एक चेहरे पर विपक्ष सहमत नहीं हो सका, यानी पीएम उम्मीदवार के रूप में कोई एक चेहरा देने में विपक्ष नाकाम रहा है, जबकि इस मामले में बीजेपी आगे नजर आ रही है। अब देखना यह है कि 23 मई को जब नतीजे आते हैं तो मजबूत सरकार बनती है या फिर मजबूर सरकार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बतौर अभिनेता, निर्माता और साथ में बतौर गायक भोजपुरी फिल्मों में नाम कमाया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी स्टार कहें या जुबली स्टार कहें दिनेश लाल यादव निरूहा जी, जो कि इस बार अखिलेश यादव के खिलाफ आजमगढ़ से चुनावी ताल ठोक चुके हैं। लेकिन मोदी विरोधियों को शिकस्त दे पाएंगे या नहीं और क्या इनकी आगे की रणनीति है, अब आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका न्यूज देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। सर, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, सर पार्टी आला कमान जी अमित शाह ने आप पे भरोसा जताया है, आपको आजमगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या आप उनके भरोसे को जीत में तब्दील कर पाएंगे? जी जी, बिल्कुल कर पाएंगे। और ये पहले ही दिन जब मैं आजमगढ़ आया तो पूरे आजमगढ़ ने बता दिया, पूरे हिंदुस्तान को बता दिया कि उनका मिजाज क्या है, वो चाहते क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, विरोधी हैं, जो ये कह रहे हैं कि जो 70 किलोमीटर तक रोड पे लोग खड़े थे वो खाली निरहुआ को देखने आए थे, पर उन लोगों ने शायद ध्यान से देखा नहीं वो सारे वीडियो क्लिप्स जिसमें जो लोग भी खड़े थे और वो हमारे साथ चलने वाले नहीं थे। वो तो मैं शूटिंग कर रहा था बनारस में और मैंने ये अनाउंस कर दिया कि मैं कल जो है आ रहा हूँ आजमगढ़। और जब मैं आजमगढ़ में घुसा, अपने गांव बॉर्डर पे ही मेरा घर है, तो आजमगढ़ में जैसे मैं घुसा वैसे लोग जो स्वागत करना शुरू किए और लोग जो खड़े होके नारे लगा रहे थे वो निरहुआ निरहुआ नहीं कर रहे थे, वो मोदी मोदी कर रहे थे। मतलब आजमगढ़ को भी पूरे देश की तरह मोदी जी चाहिए, ये बता रही थी आजमगढ़ की जनता। तो मुझे लगता है कि मुझ पे जो भरोसा करके उन्होंने भेजा है, मैं उन पे भरोसा कर रहा हूँ और मैं उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना अच्छा काम किया। आज मैं गांव-गांव में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, शहरों में भी घूम रहा हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, तो लोग बता रहे हैं कि जो काम प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में किया है, 5 साल में जो काम किया है वो लाभ जनता तक पहुंचा है, लोगों के घरों तक पहुंचा है। ये कारण है कि आजमगढ़ भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री। देखिए सर, एक सवाल ये भी उठता है कि 91 में एक ही बार आजमगढ़ में कमल खिला था, तब से लेकर अभी तक सपा बसपा का एक गढ़ रहा है जो कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, तो आप, मैंने देखा कि आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं, आप जमीनी स्तर पर देख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या दिखा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं भी लगता है कि आजमगढ़ विकास की धारा से अभी भी अछूता है? बहुत अछूता है। अब जब मैं निकलता हूँ, गाँव में जाता हूँ, तो आजमगढ़ को इस बात का आभास हो रहा है कि उन्होंने यहाँ से एक विधानसभा छोड़ के बाकी 9 विधानसभा पे समाजवादी पार्टी के लोगों को जिताया।
विधायक बनाया, पर उसका अंजाम क्या हुआ है? न कोई सड़क बन रही है, न कोई काम हो रहा है, कुछ भी नहीं वो कर पा रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ से उन्होंने सांसद चुना नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, अब वो यहाँ से सांसद बने गए और फिर दिखे ही नहीं। आजमगढ़ वो अपना प्रमाण पत्र तक लेने नहीं आए, ये यहाँ की जनता ही बताई मुझे। तो मुझे लगता है कि आजमगढ़ की जनता इस बात को समझ चुकी है, जान चुकी है कि हम इमोशन में आके इनको चुन तो लेते हैं, पर ये इमोशन उनके अंदर नहीं है। उनके अंदर भी अगर वो प्यार होता तो फिर बात बनती। जैसे ये समाजवादी पार्टी के लोग ये बात कहते हैं कि आजमगढ़ उनका गढ़ है, मैं भी मानता हूँ कि आजमगढ़ आपका गढ़ है, आजमगढ़ के लोग आपको प्यार करते हैं, पर आप क्यों नहीं उनसे प्यार करते हैं? सवाल ये है कि ये जनता जान चुकी कि हम तो भाई उन पे भरोसा करते हैं, पर वो हमें वो प्यार नहीं दिखाते हैं। क्योंकि जब अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं, मतलब आपको पता है कि आप प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, फिर भी आप आ रहे हैं अपने उन्हीं 9 विधायकों की तरह यहाँ के सांसद बनने, और फिर ये राग अलापने कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या करें। तो आपको तो अभी पता है कि सरकार नहीं है, मतलब आप कुछ नहीं करने वाले हैं आजमगढ़ के लिए। तो जो आजमगढ़ के लिए करने वाले हैं आप उनको करने दीजिए। इस मामले में तो बहन जी बहुत समझदारी का काम किया उन्होंने, वो तो चुनाव लड़ ही नहीं रही हैं, उनको पता है उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। अगर वो कहीं से चुनाव लड़ेंगी तो वहाँ के लिए करेंगी क्या? कुछ कर नहीं पाएंगी।